साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा भाई आलोक सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों हम सब जानते हैं कि उद्यम स्थापित करना आज के समय में सबसे बेहतर विकल्प है। अधिकांश युवा बड़े जोश और जुनून के साथ उद्यम को स्थापित भी करते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 1000 दिन के अंदर, यूं कहें तो 3 साल के अंदर वो उद्यम बंद कर देते हैं या कि नए उद्यम का चुनाव करते हैं। ऐसे में उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। चलिए हम चर्चा करते हैं वो 9 बिंदु 9 पॉइंटों के बारे में। ऐसा क्या नव उद्यमियों द्वारा भूल और गलतियां किया जाता है जिस कारण से ये उद्यम बंद होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर नव उद्यमियों द्वारा ऐसे कौन कौन सी गलतियां की जाती हैं, चलिए उन बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 है धन का दुरुपयोग करना। नव उद्यमियों द्वारा जब बिजनेस बेहतर तरीके से संचालित होने लगता है, सफल होने लगते हैं, उन नव उद्यमियों द्वारा दिखावे के चक्कर में दूसरों को दिखाने के लिए धन का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे घर बनाना, नई कार लेना या बाइक लेना। आप जानते हैं कि धन जो आपको मिल रहा है वो आपके उद्यम का है, ना कि आपका है। आपका मेहनत करने का परिणाम का पैसा आप ले सकते हैं अपने घर को चलाने के लिए, ना कि आप अपने ऐशो आराम के लिए पैसे लेंगे। जो उद्यमी उद्यम के कमाए हुए धन को गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने उद्यम को बंद करना पड़ सकता है। आप सब जानते हैं अगर वो कमाया हुआ धन आप अपने उद्यम में लगाते हैं तो आपका उद्यम और बेहतर तरीके से ग्रोथ होगा। साथ ही कभी कभी कठिन दौर आते हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, जैसे आज के दौर में कोविड-19 कोरोना काल के कारण बहुत सारे छोटे छोटे उद्यम, बहुत सारे छोटे उद्यमी भाइयों को कठिन दौर से गुजरना ही पड़ रहा है। अगर उस उद्यम में से 10% भी अगर नव उद्यमियों द्वारा संचय किया जाता, बचत किया जाता, तो इन कठिन दौर से उभरने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, आगे निकला जा सकता है। लेकिन जिन उद्यमियों द्वारा इस 10% धनराशि का भी बचत नहीं किया गया आपके उद्यम के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपको पटरी में पुनः आने में काफी वक्त लग सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कभी भी धन का दुरुपयोग ना करें, आपके उद्यम से कमाई हुई राशि को उद्यम में ही लगाएं। नंबर 2, क्षमता से ज्यादा उधार देना। नव उद्यमियों द्वारा यह समझ में नहीं आ पाता कि सामने वाले को कितना उधार देना चाहिए। साथ में आपके फर्म में या आपकी कंपनी में उधार देने की क्षमता कितनी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। उधार एक व्यवस्था है जो विक्रेता और क्रेता के आपस में संबंध बनाता है, लेकिन बहुत सारे हमारे क्रेता ऐसे होते हैं जो उधार को गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिस कारण से आज आप बिजनेस देखेंगे तो देखने में हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि हमने बेहतर तरीके से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी ऑडिट कराने बैठ जाए, आप सही तरीके से आकलन करेंगे तो जितनी उधारी आपकी फंसी हुई है तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने रिकवरी नहीं किया है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान में होंगे। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हमें उधारी कितनी देनी है और कितने मात्रा में देनी है, क्योंकि उधार के बिना मैं जानता हूं कि नव उद्यमियों को आगे बिजनेस करना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन उधारी बड़े ही सोच समझ के साथ सही व्यक्ति का चुनाव करें और उस आधार पर उधारी दें। आपके बिजनेस न होने के कारण बहुत सारे ऐसे आपके साथ दोस्ती करने वाले लोग या हाई फाई दिखाकर आपके पास आएंगे और आपसे उधारी लेकर चले जाएंगे। इसलिए मेरा गुजारिश यही है कि उधारी देते वक्त सामने वाले के साख का ध्यान रखें और उस आधार पर ही उधारी दें। नंबर 3 बिंदु की मैं बात करता हूं कि वचनबद्धता निभाना। होता क्या है कि आज के दौर में आप ये ध्यान रखिए कि Amazon, Flipkart, Swiggy ये आगे क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आगे इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग इन पर विश्वास करते हैं, कस्टमर इन पर विश्वास करते हैं, वो समय को निर्धारित करते हैं और आपको अपडेट भी करते रहते हैं कि आपका सामान कहां तक पहुंच गया। नव उद्यमियों के साथ ये गलतियां होती हैं कि वो समय का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि
आपने जो समय दिया है, जो वादा किया है, उस वादे को निभाएं। एक फिल्मी डायलॉग भी है कि अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी बात भी नहीं सुनता। ठीक इसी प्रकार आपने अगर ग्राहक को कमिटमेंट किया है, अगर आपने ग्राहक को बोला है, तो आप उसी आधार पे अपने वचन पे कारगर रहेंगे। ये आपका ब्रांड बनेगा, ये आपका ट्रस्ट बनेगा। नंबर चौथा, हमारे नव उद्यमियों द्वारा प्रॉफिट के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। नंबर चौथे पॉइंट की बात है, गुणवत्ता से समझौता करना। आप सब जानते हैं कि एक बार ग्राहक को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार आप उस ग्राहक को बेवकूफ कभी नहीं बना पाएंगे। ग्राहक एक बार आपकी बात को समझ गया कि आपके माल में गुणवत्ता नहीं है, तो वो आपके पास आएगा नहीं, और इसके साथ साथ चार अन्य लोगों को भी बताएगा कि उनके यहां माल अच्छा नहीं है, पैसा जरूर ज्यादा लगता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा गुणवत्ता पूर्ण ही ग्राहक को उपलब्ध कराएं। रेट ज्यादा है तो बताएं कि हमारे प्रोडक्ट में रेट ज्यादा क्यों है, और उस तरीके से कन्विंस करके ही ग्राहक को उपलब्ध कराएं, सही तरीके से उपलब्ध कराएं, ताकि आपका और ग्राहक के बीच एक परस्पर विश्वास का रिलेशन बन सके। नंबर पांचवें बिंदु की हम बात करते हैं कि सही लेखा जोखा ना रखना। नव उद्यमियों द्वारा अधिकांशतः ये गलतियां की जाती हैं कि प्रतिदिन का लेखा जोखा नहीं रखते हैं कि आपका स्टॉक कितना है, आपने कितने का माल बेचा, कुल उधारी आपकी कितनी हुई और आपकी रिकवरी कितनी है। अगर दिन प्रतिदिन आप सही तरीके से लेखा का निर्धारण करेंगे तो बेहतर तरीके से बिजनेस को आगे करेंगे, नहीं तो आप उलझ जाएंगे उस लेखा में, उस वही खाता में। आपको उलझना नहीं है, दिन प्रतिदिन अपने लेखा जोखा बेहतर तरीके से बनाएं। इसके साथ साथ आज के समय में बहुत सारे फ्री वेबसाइट और ऐप भी उपलब्ध हैं जो आपके बही खाता को बनाने में मदद करते हैं। आप उनका सहारा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आपको बही खाता बनाना है। नंबर छठवें बिंदु की बात करता हूं कि इकाई में हम की भावना पैदा न कर पाना। नव उद्यमियों द्वारा ये अधिकांश गलतियां की जाती हैं कि कर्मचारी और आपके बीच के जो रिलेशन होते हैं वो हम होते हैं, ना कि मैं होता है। अधिकांश मालिक जो है तो वो हम शब्द का उपयोग ना करके मैं शब्द का उपयोग करते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे द्वारा ये सारी काम किए गए हैं, मेरे द्वारा ही ये बेहतर तरीके से बिजनेस का संचालन होला, जबकि उस बिजनेस के संचालन में कर्मचारियों की अहम भूमिकाएं होती हैं। कर्मचारियों को यह एहसास होना चाहिए कि ये कंपनी या कि ये फर्म हमारा है, ना कि सामने वाले मालिक का है। ऐसे अनुकूल वातावरण, ऐसी परिस्थितियां आपको बनानी पड़ेंगी जिस कारण से कर्मचारियों में जोश, जुनून और नए तरीके से बिजनेस करने के लिए आपकी मदद करें। इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी मैं भावना ना आए, हम की भावनाएं आए, और कर्मचारियों को समय समय पर प्रेरित भी करते रहे। सातवें बिंदु की बात करता हूं कि आपके उद्यम में अगर सिफारिश वाले व्यक्ति या आपके रिश्तेदार हैं तो उद्यम आपका प्रभावित होगा। उसका कारण यह होता है कि जब हम किसी सिफारिश वाले व्यक्ति को अपने काम में रखते हैं या अपने रिश्तेदार को काम में रखते हैं तो हम संकोच करते हैं, हम उस तरीके से काम नहीं करवा पाते जिस तरीके से हमें करवाना होता है। इसलिए हमारे काम प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ जो और भी कर्मचारी होते हैं जो आपके उद्यम में बेहतर तरीके से काम करते हैं, लेकिन आपका लगाव सामने वाले रिश्तेदार या सिफारिश वाले व्यक्ति के प्रति होता है, और वो सामने वाला व्यक्ति आपके कार्य के प्रति उदासीन होता है, बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि बेहतर कर्मचारी का प्रोत्साहन करते हुए काम को आगे बढ़ाना है, किसी सिफारिश वाले व्यक्ति या नात या रिश्तेदार को काम पे नहीं रखना है। अगर वो नात और रिश्तेदार बेहतर तरीके से काम कर रहा है और आपको लगता है कि आपके उद्यम को आगे ले जाएंगे, तब उनको रखें, वरना उनको कभी भी अपने उद्यम में ना रखें। नंबर आठवें बिंदु की मैं बात करता हूं कि सही तरीके से बैंक में सही समय पर पुनर्भुगतान नहीं करते। आप सब जानते हैं कि आपको उद्यम बढ़ाना है, आपको उद्यम आगे ले जाना है, उद्यम में सफलता पानी है, तो कार्यशील पूंजी की आपको लगातार जरूरत होती है।
कार्यशील पूंजी का प्रबंधन बेहतर तरीके से बैंक ही आपको उपलब्ध करा पाती है। लेकिन हमारे नव उद्यमी भाइयों द्वारा अक्सर ये गलतियां की जाती हैं, हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां विपरीत हो या कि आप कहीं ना कहीं उदासीन है, बैंक का सही तरीके से पुनर्भुगतान ऋण का नहीं कर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, आपके लगातार बेहतर संबंध बैंक से होने चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बैंक में पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक को आप इसके बारे में बताएं, बैंक को कॉन्फिडेंस मिले और उनको बताएं कि हम इस कारण से पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अगले महीने मैं आपका पुनर्भुगतान ऋण का करूंगा। बैंक से आपके रिलेशन बेहतर तरीके से होना ही चाहिए, तब जाके आप बेहतर तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। नौवें बिंदु की मैं बात करता हूं कि कार्य का सही वितरण ना करना। होता क्या है कि हर कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। कोई कर्मचारी ऐसा होगा जो फील्ड में काम करना बहुत ज्यादा पसंद करता है, कोई ऐसा होगा जो ऑपरेटिंग कार्य करना पसंद करते हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करना पसंद करते हैं। हर कर्मचारी की कार्य करने की शैली और क्षमता अलग अलग होती है। ये मालिक को समझना है, ये उद्यमी को समझना है। आपका बेहतर कर्मचारी से बेहतर काम करा पाए उसके लिए उस कर्मचारी के कार्यशैली को समझें और उस हिसाब से कार्य का वितरण करें, तब जाके आपका कंपनी, आपके फर्म बेहतर तरीके से कार्य करेंगी और सफल होंगी। अक्सर इकाई संचालन में मालिकों द्वारा ये सही तरीके से कार्य का वितरण नहीं कर पाने के कारण कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं। साथियों, इन नव बिंदुओं का अगर सही तरीके से नव उद्यमी पालन करते हैं तो उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे। कठिन परिस्थितियां तो आएंगी, सफलता उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों से आगे निकल जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।